हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हिंदी टैरोडैक्टिपल टू। मैं हूं पल्लवी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, आज मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर आई हूं एक और नई रीडिंग। और आज हम ये जो भी रीडिंग करने जा रहे हैं वो थर्ड पार्टी सिचुएशन पर करने जा रहे हैं। और आज हम यहाँ पर ये देखेंगे कि थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में अब करंट में क्या हो रहा है। थर्ड पार्टी यहाँ पर कौन है? बेसिकली थर्ड पार्टी यहाँ पर एक एनर्जी है मेरे मुताबिक, लेकिन आपके हिसाब से आपको पता है कि आपके केस में थर्ड पार्टी कौन है, ठीक है। और उसके अलग अगर आपको पता नहीं है कि आपके केस में थर्ड पार्टी कौन है और आप सिर्फ शक कर रहे हैं, तो डाउट के बेसिस पर मैं रीडिंग नहीं करती हूँ चैनल पर, स्पेशली थर्ड पार्टी को लेकर। अगर आप श्योर है कि कौन है और है, तभी आप ये रीडिंग देखेंगे। और अब हम यहाँ पर ये देखने जा रहे हैं अब करंट में थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में क्या हो रहा है। रीडिंग की शुरुआत से पहले आपको अपने ईष्ट देव, अपने प्रभु, अपने यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड ज़रूर से देना है। उसके बाद आपको रीडिंग की शुरुआत करनी है और रीडिंग के दौरान आपको अपना पूरा का पूरा फोकस अपने पार्टनर के ऊपर बनाए रखना है जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं और जानना चाह रहे हैं कि अब दोनों के बीच में करंट में क्या हो रहा है, ठीक है। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए। बताइए व्यूअर्स के पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में अब करंट में क्या हो रहा है, गाइड कीजिए। बताइए व्यूअर्स के पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में अब करंट में क्या हो रहा है, गाइड कीजिए। क्लियरिटी ऑफ बिलीफ, सीक द ट्रुथ, नर्चर बेस चक्रा, डार्केस्ट फियर, ओपन अप, एंड बॉटम ऑफ द डेक है डेडिकेटेड एफर्ट्स। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए। बताइए व्यूअर्स के पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में अब करंट में क्या हो रहा है, गाइड कीजिए। बताइए यूनिवर्स, क्लियरिटी ऑफ बिलीफ्स को क्लैरिफाई कीजिए। बताइए डिस्पेयर, बेस चक्रा को क्लैरिफाई कीजिए। बताइए यूनिवर्स, इस मामले में दोनों के बीच में क्या हो रहा है, क्या सोच रख रहे हैं। पॉवर्टी, सीक द ट्रुथ को क्लैरिफाई कीजिए। बताइए इस मामले में क्या हो रहा है थर्ड पार्टी और व्यूअर्स के पर्सन के बीच में, क्या सोच रहे हैं दोनों एक दूसरे को लेकर। पाथवे, नर्चर को क्लैरिफाई कीजिए। बताइए ग्रेट फॉर्च्यून, अनएक्सपेक्टेड इनकम, बैड हेल्थ, एंड बॉटम ऑफ द डेक है ऑक्यूपेशन। तो देखिए सबसे पहले एनर्जीज डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर जो मेजॉरिटी लेवल पे एनर्जी है वो है आपकी जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, यानी कि मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि, ठीक है। तो ये तो आपकी स्ट्रॉन्ग में एनर्जी दिखाई दी है जिसमें आपका टॉरस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग में दिखाई दे रहा है। नंबर वन मुझे आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट दिखा, यानी कि आपका जनवरी मंथ जो आपसे इस पर्सन के माध्यम से जुड़ा हुआ हो सकता है, उसकी पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं। अब सवाल पर आते हैं कि दोनों के बीच में करंट में क्या हो रहा है या किस तरह की सिचुएशन दोनों के बीच में चल रही है। देखो बेसिकली मुझे यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा ऐसी वाइब्रेशंस आ रही है जैसे कि आपके पार्टनर अगर यहाँ पर इनकम के सोर्स हैं, यानी कि आपके पार्टनर ही यहाँ पर पैसा अर्न करते हैं और थर्ड पार्टी की मदद करते हैं, या फिर यहाँ पर जो भी इनकम का सोर्स है, इनकम कमाने वाला जो भी पर्सन है, चाहे आपके पार्टनर हो या थर्ड पार्टी, उसको यहाँ पर डेफिनेटली अपनी जॉब में, अपने बिजनेस में किसी तरह का भारी नुकसान पहुँच रहा है। यानी कि यहाँ पर ये स्टेज दिख रही है इन दोनों की, जैसे कि इनके हाथ से बहुत सारा पैसा खर्च हो रहा है, या तो इन्हें किसी तरह का नुकसान पहुंचा है, जॉब इनकी छूटी है, या फिर यहाँ पर ये पॉसिबिलिटी है कि
कुछ ऐसी जगह पर इस पर्सन को पैसा खर्च करना पड़ा है जो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था। मतलब दोनों ने यहाँ पर प्लानिंग नहीं करी थी कि यहाँ पर इन्हें खर्च करना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा। जो भी यहाँ पर इनकम का सोर्स है, अगर थर्ड पार्टी कमा रही है, थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को पैसा दे रही है, तो कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी की यहाँ पर जॉब में किसी तरह का नुकसान पहुँचा है या किसी तरह की उस को कहीं पर पैसा देना पड़ा है जिससे उसको बहुत ज़्यादा डर में रहना पड़ रहा है। और अगर आपके पार्टनर कमाते हैं तो उनको किसी तरह का भारी नुकसान यहाँ पर पहुँचा है, जिसके चलते जो एक होता है ना कि दोनों के बीच में एक स्ट्रॉन्ग बाउंडिंग थी, दोनों की बेस स्ट्रॉन्ग थी पैसों की वजह से, तो वो यहाँ पर इनकी बाउंडेशन, इनकी जो नींव है वो यहाँ पर हिली है, जिसके चलते यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ दिख रही है कि दोनों यहाँ पर अब एक दूसरे को समय देने की बजाय, एक दूसरे के बारे में सोचने की बजाय डेडिकेटली एफर्ट्स कर रहे हैं, काम में ज़्यादा लग रहे हैं, अपने फाइनेंशियली चीज़ों को ज़्यादा देख रहे हैं, अपने कैरियर को ज़्यादा देख रहे हैं, क्योंकि दोनों के दिल में कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर डर यहाँ पर दिख रहा है। यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ है कि इनमें से एक पर्सन को तो डेफिनेटली फाइनेंशियली लेवल पर नुकसान पहुंचा है और एक यहाँ पर बीमार है, चाहे वो थर्ड पार्टी हो या आपके पर्सन, मतलब जो इनकम का सोर्स है उससे दूसरा पर्सन यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बुरी हेल्थ से गुजर रहा है, उसकी भी यहाँ पर पॉसिबिलिटी है, जिसके चलते इनकी लाइफ काफ़ी ज़्यादा अनस्टेबल होते हुए दिख रही है। जैसे कि दोनों कहीं ना कहीं अपनी किस्मत को कोस रहे हैं, या दोनों को ऐसा लग रहा है कि हमारे कर्मास हमें इस तरह से हिट कर रहे हैं, थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर, जैसे दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ रहकर बहुत ज़्यादा ऐश कर रहे थे, बहुत ज़्यादा घमंड था दोनों को अपने साथ को लेकर या अपने अपने ऊपर, तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है जैसे कि दोनों की लाइफ में कुछ फाइनेंशियली लेवल पर और हेल्थ लेवल पर इतना नुकसान पहुँच रहा है कि दोनों साथ में तो हैं लेकिन डर डर कर जी रहे हैं, और दोनों को इस चीज़ का डर है कि ये जो भी हमारे साथ हो रहा है, ये हमारे कर्मास हमारे सामने आ रहे हैं, या कुछ ऐसा सच भगवान के सामने, उस यूनिवर्स के सामने आया है जिसके चलते ना हम लोगों का जो रास्ता एकदम सीधा सही चल रहा था वो यहाँ पर दिक्कतों में, कॉम्प्लिकेशंस में बदल गया है। तो उस तरह की चीज़ें इन दोनों के बीच में चल रही हैं। तो यहाँ पर ऐसी सिचुएशन है कि फाइनेंशियली लेवल पर डेफिनेटली इतना नुकसान पहुंचा है जिसके चलते यहाँ पर हेल्थ तक पर इफ़ेक्ट पड़ गया, या फिर किसी की इतनी ज़्यादा हेल्थ ख़राब है कि उस पर पैसा इतना खर्च हो रहा है जिसके चलते यहाँ पर चीज़ें इनकी बहुत ज़्यादा वर्स्ट हो रही है। तो चीज़ें तो यहाँ पर ये हैं कि थर्ड पार्टी हो या आपके पर्सन, दोनों यहाँ पर अपने अपने कर्मास फेस कर रहे हैं। अब सवाल यहाँ पर ये आता है कि इस सिचुएशन के चलते इन दोनों का अब एक दूसरे को लेकर सोचना क्या है, एक दूसरे को लेकर अब दोनों की क्या फीलिंग्स हैं, तो वो चीज़ें देखते हैं। ठीक है, गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए, बताइए थर्ड पार्टी ऑफ व्यूअर्स के पर्सन का अब एक दूसरे को लेकर इन हालातों में क्या सोचना है, यूनिवर्स गाइड कीजिए, बताइए दोनों का इन हालातों में अब एक दूसरे को लेकर क्या सोचना है। नाइन ऑफ वैंड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक है आपका पेज ऑफ कप्स, तो ये है आपकी एरीज लियो एंड सजिटेरियस मेष सिंह एंड धनु राशि एंड कैंसर पाइसेस एंड स्कॉर्पियो कर्क मीन एंड वृश्चिक राशि। पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पे बन रही है कि आपके केस में जो भी थर्ड पार्टी है और आपके पार्टनर, इन दोनों के बीच में एज गैप है, और यहाँ पर बेसिकली इन हालातों के चलते ना आपके पार्टनर की तो ये सोच बन गई है कि इन्होंने थर्ड पार्टी के साथ रहकर कहीं ना कहीं बहुत बड़ी अपनी ज़िंदगी की इमैच्योरिटी दिखाई है, इन्हें इस चीज़ की क्लियरिटी मिल रही है, ये इस चीज़ को लेकर क्लियर हो रहे हैं कि इन्होंने ना अपने आप को इस सिचुएशन में अपने आप से ही डाला है, इन्होंने अपने रास्तों को खुद ही बंद करा है, जो ये रास्ते आज की डेट में ढूंढ नहीं पा रहे हैं, या आज जो इन्हें जॉब को लेकर नुकसान हो रहा है, पैसों को लेकर जो दिक्कत हो रही है, उन सभी की वजह आपके पार्टनर इस चीज़ की तरह मान रहे हैं कि मैंने इसकी बातों में आकर कहीं ना कहीं अपने आप से ही नादानियाँ कर दी हैं।
अब आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि मैं उस स्टेज पर, उस मुकाम पर आकर खड़ा हो गया हूँ जहाँ पर मैं अपने आप को बचाता फिर रहा हूँ या फिर रही हूँ, या अपने आप को गार्ड करता फिर रहा हूँ या फिर रही हूँ। तो आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि इन सबकी जिम्मेदारी थर्ड पार्टी है, जो मुझे जॉब को लेकर नुकसान पहुँच रहा है उसकी जिम्मेदारी ये है। थर्ड पार्टी का आपके पार्टनर को लेकर ये फील करना है कि आपके पर्सन उस पर ब्लेम लगा रहे हैं या उसे दोषी मान रहे हैं, जिसके चलते ही उनसे खिजे खिजे रह रहे हैं। यानी कि थर्ड पार्टी आपके पार्टनर की इस इंटेंशन को, इस सोच को समझ पा रही है, भाप पा रही है, और आपके पार्टनर जितना ज़्यादा इस थर्ड पार्टी से खिजे खिजे रह रहे हैं, उतना ज़्यादा ये समझ पा रही है कि ये क्यों ऐसा कर रहे हैं। मुझे ऐसा दिख रहा है कि भले ही थर्ड पार्टी या आपके पार्टनर ऐसा बोलते हैं कि वो मेरी बात मानेगा या मानेगी, वो मेरे हिसाब से चलेगा या चलेगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। सिचुएशन यहाँ पर ये हो चुकी है दोनों के बीच की कि थर्ड पार्टी की कोई भी बात अब आपके पर्सन मान ही नहीं रहे हैं, वो उससे काफ़ी ज़्यादा दूरियाँ मेंटेन कर रहे हैं, लेकिन थर्ड पार्टी अपनी नाक को नीचा नहीं करने की वजह से सच्ची झूठी करती फिर रही है। तो ऐसा दिख रहा है कि ओवरऑल अब आपके पर्सन ही थर्ड पार्टी के साथ रहकर ऐसा समझ रहे हैं कि इससे जितनी दूरी अच्छी उतना इनके लिए भला, या जितना ज़्यादा ये इससे दूर रहकर अपने कैरियर पर, अपनी जॉब पर ध्यान देंगे उतना ज़्यादा इनके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो ऐसा दोनों के बीच में सोच मुझे दिखाई दी है। बेस चक्र को क्लैरिफाई कीजिए, बताइए इस मामले में व्यूअर्स के पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में अब करंट में एक दूसरे को लेकर क्या सोच बन रही है, गाइड कीजिए। पेज ऑफ सोर्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक है आपका सेवन ऑफ सोर्ड्स। दोनों के दिल में अब एक दूसरे को लेकर इनसिक्योरिटी चल रही है। दोनों को ऐसा लग रहा है, स्पेशली इस थर्ड पार्टी को ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन ना इन सब सिचुएशन से डर कर कहीं उसकी ज़िंदगी से चुपचाप दूर ना चले जाएं, कहीं इस सिचुएशन से डर कर घबरा कर ये इसे छोड़ ना दे। तो वो इनसिक्योरिटी इस थर्ड पार्टी के दिल में चल रही है, जिसके चलते ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के ऊपर निगाहें जमाए हुए बैठी है। उसके अलग आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि इस थर्ड पार्टी ने मेरा सब कुछ तो ख़त्म कर दिया, जिसके बलबूते पर मैं स्ट्रांग था या थी वो सब ख़त्म कर दिया, ऐसे रास्ते पे मुझे लाकर खड़ा कर दिया जिसमें अब मेरे पास कुछ भी नहीं है सिवाय चार लोगों के ताने या सिवाय नेगेटिविटी। तो आपके पर्सन डेफिनेटली थर्ड पार्टी से अब बहुत ज़्यादा दूर रहने की, रखने की कोशिश अपने आप को करते हैं, लेकिन थर्ड पार्टी आपके पर्सन के ऊपर अब निगाहें बनाए हुए है, ऐसा यहाँ पर है। ठीक है, मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे आपके पर्सन फाइनेंशियली लेवल पर बहुत भारी नुकसान फेस कर रहे हैं, इनकी जॉब चली गई है, या अगर ये बिजनेस करते हैं तो वहाँ पर इन्हें बहुत बड़ा नुकसान हुआ है जिससे इनकी पूरी नींव हिल गई है। ऐसा दिख रहा है जैसे कि इन्होंने काफ़ी कुछ इन्वेस्ट कर रखा था ऐसी जगह पर जो गलत था, जैसे जैसे स्टॉक मार्केट में इन्होंने काफ़ी इन्वेस्ट कर रखा था और अब इन्हें वहाँ पर देना ही देना पड़ रहा है, ऐसा यहाँ पर पॉसिबिलिटी है। ठीक है, और अब आपके पर्सन का वहाँ से निकल पाना डिफ़िकल्ट हो रहा है क्योंकि वहाँ पर पहले इन्हें वो पूरा करना है, तो उनका ध्यान अब इस थर्ड पार्टी पर तो इतना हैवी नहीं। सीक द ट्रुथ को क्लैरिफाई कीजिए, बताइए इनके बारे में दोनों का क्या सोचना है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड बॉटम ऑफ द डेक आपका आया है जस्टिस। डेफिनेटली इन दोनों के दिल में ना इस चीज़ का डर है कि हमारे साथ जो भी हो रहा है या हम जिस रास्ते पर आज की डेट में आए हैं ना, वो हमारे आगे हमारे कर्माज आ रहे हैं। ये जो भी हमारे साथ हो रहा है वो यूनिवर्स के थ्रू हमारे कर्मों का न्याय हमें मिल रहा है, जैसा हमने करा वैसा हमें हम भुगत रहे हैं। तो वो चीज़ें दोनों के दिल में चल रही हैं, लेकिन दोनों इस सच्चाई को देखने के बावजूद भी, इस कड़वे सच को देखने के बावजूद भी इसके बारे में चर्चा नहीं कर रहे हैं, इसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। तो ऐसा दिख रहा है, मतलब दोनों इस चीज़ को समझ पा रहे हैं, थर्ड पार्टी हो या आपके पार्टनर, की जैसा हम करते आ रहे हैं वो चीज़ें आज हमारी ज़िंदगी में रिफ्लेक्ट डाल रही हैं, असर डाल रही हैं। ठीक है, हमारी किस्मत यहाँ पर पलट चुकी है, दोनों के दिल में अब इस तरह का डर चल रहा है। यहाँ पर भी आप देख पा रहे होंगे डार्केस्ट फियर, यानी कि दोनों ना अब अपने हालातों को देखकर काफ़ी ज़्यादा डरे डरे से रह रहे हैं, ऐसा यहाँ पर बहुत क्लियरली दिख रहा है।
ठीक है। डार्केस्ट फियर को क्लैरिफाई कीजिए, बताइए यूनिवर्स इस मामले में थर्ड पार्टी और व्यूअर्स के पर्सन का अब एक दूसरे को लेकर क्या सोचना है। फाइव ऑफ सोर्ड्स एंड जजमेंट, लो कर्मा का कार्ड भी यहाँ पर आ गया। यहाँ पर ये चीज़ें दिख रही हैं, अपने हालातों को देखकर थर्ड पार्टी और आपके पर्सन अपने ही अपने स्ट्रेस में, अपने ही अपने डर में जी रहे हैं। दोनों को अब यहाँ पर डर लगा रहता है, जैसे थर्ड पार्टी की अगर हेल्थ खराब है तो उसे ये डर लगा रहता है कि भाई उसे भगवान बुला रहे हैं क्या, या कब वो सही होगी, कब वो यहाँ से सही होकर बाहर निकलेगी। ऐसा नहीं है कि बेड पर ही हो, वो मेंटली डिप्रेशन भी होता है, मेंटली एंजाइटी भी होती है, हर तरह की हेल्थ इश्यूज़ होते हैं, या हो सकता है उसे सर्वाइकल पेन होना शुरू हो गया हो, माइग्रेन शुरू हो गया हो, तो उस तरह के इश्यूज़ जिसके बाद इंसान की यही स्टेज होती है, यही सोच बन जाती है कि भाई मेरे साथ जो भी हो रहा है वो डेफिनेटली कुछ करा हुआ मेरे सामने आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पर आपके पर्सन को भी इस चीज़ का डर लग रहा है कि भाई मेरे को जो भी पैसों के रिगार्ड नुकसान पहुँच रहा है तो डेफिनेटली वो जजमेंट हो रहा है मेरे साथ, यूनिवर्स की तरफ से मुझे न्याय दिया जा रहा है जिसकी आपके पर्सन माफ़ी मांगते हैं, ठीक है। दोनों यहाँ पर ना अब इतना एक दूसरे को लेकर महसूस नहीं कर पा रहे हैं जितना दोनों अब यहाँ पर डरे डरे रह रहे हैं। दोनों यहाँ पर जितना अपनी अपनी सिचुएशन को कवर करना चाह रहे हैं ऐसा यहाँ पर अभी तक दिखा मुझे। नर्चर को क्लैरिफाई कीजिए और बताइए यूनिवर्स। डेथ एंड पेज ऑफ वैंड्स, इनके दिल में अब एक दूसरे को लेकर ये चीज़ें हैं कि ओवरऑल हमारे बीच में जो एक बॉन्डिंग थी, एक स्ट्रॉन्ग था ना रिश्ता हम दोनों के बीच का, वो ख़त्म हो गया है इन हालातों की वजह से, क्योंकि इस हालात को देखकर हम दोनों अब एक दूसरे के ऊपर ब्लेम्स थोप रहे हैं। अब हम दोनों एक दूसरे को अपनी डेस्टिनी नहीं मान रहे हैं बल्कि एक बुरा वक्त मानकर इस रिश्ते को, इस सिचुएशन को देख रहे हैं। तो दोनों अपना एक दूसरे की परवाह करने की बजाय अपने अपने पर ज़्यादा फोकस्ड हैं ऐसा दिख रहा है। ओवरऑल दोनों यहाँ पर ना अपनी अपनी सिचुएशन को ठीक करना चाहते हैं बजाय एक दूसरे के बारे में सोचने के, ठीक है। ओपन अप को क्लैरिफाई कीजिए, बताइए इस मामले में व्यूअर्स के पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में अब करंट में क्या हो रहा है, गाइड कीजिए बताइए। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स एंड द हैंगमैन, देखो यहाँ पर ये चीज़ें हो रही है, दोनों को ना बस अब खर्च करना पड़ रहा है, पैसों को लेकर बस ये दोनों अब खर्चा करते जा रहे हैं, हेल्थ को लेकर भी खर्चा इनका निरंतर होता जा रहा है, और दोनों के साथ अब ये हो रहा है कि बेसिकली दोनों अब सब चीज़ें सरेंडर करना चाह रहे हैं, अपनी गलतियां सरेंडर करना चाह रहे हैं अपने यूनिवर्स को, अपने डिवाइन को, कि जो हमसे गलती हुई है बस वो हम अब उस चीज़ के लिए हमें माफ़ कर दिया जाए, अब आगे हम सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वे में करेंगे, डेडिकेशंस के साथ करेंगे। तो दोनों के साथ अब ये हो रहा है कि किसी तरह से इस सिचुएशन से तो बाहर निकल जाएं, उसके बाद आगे चलकर चीज़ों को सही तरीके से ही करेंगे, तो ऐसा कुछ यहाँ पर दोनों का सोचना है, ठीक है। एक दूसरे को लेकर इतना कुछ ज़्यादा महसूस नहीं कर पा रहे हैं ये, क्योंकि ये तो अपनी अपनी ज़िंदगियों में उलझ गए हैं। डेडिकेटेड एफर्ट को क्लैरिफाई कीजिए, बताइए इस मामले में व्यूअर्स के पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में अब करंट में क्या हो रहा है, गाइड कीजिए बताइए यूनिवर्स। देखिए एट ऑफ पेंटिकल्स, बहुत ज़्यादा मेहनत ये दोनों अब कर रहे हैं, एंड नाइन ऑफ सोर्ड्स, ताकि इस बुरे वक्त से ये बाहर निकल पाएँ, इस डिप्रेशन से बाहर निकल पाएँ, इस नेगेटिविटी से बाहर निकल पाएँ। तो दोनों अपने अपने तरीके से अपने आप को काम में ज़्यादा झोंक रहे हैं बजाय एक दूसरे के बारे में सोचने के, एक दूसरे की परवाह करने के, एक दूसरे का साथ देने के। तो ऐसा नहीं है भले साथ रह रहे हैं लेकिन दोनों अब अपने कर्मास फेस कर रहे हैं जिस भी तरह से दोनों को अपने अपने कर्मास को फेस करना चाहिए था, ठीक है। जैसे कि इनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई हो, क्योंकि कई बार ये होता है ना जब ऐसे हालात पड़ते हैं ना इंसान के आगे तो अपनों की परायों की पहचान होती है, और इसके बाद ही थर्ड पार्टी हो या आपके पार्टनर, दोनों को अपने की और पराये की पहचान होनी ज़रूरी है, वो इस तरह से ही होगी, ठीक है। ये देखते हैं कि क्या इन सब सिचुएशंस के बाद
थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर दोनों सेपरेट हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे या नहीं, ये थर्ड पार्टी चली जाएगी या नहीं, यूनिवर्स गाइड कीजिए बताइए। इन सबके बाद इन दोनों के बीच के फ्यूचर के बारे में बताइए यूनिवर्स। फाइव ऑफ हैंड्स गाइड कीजिए बताइए, इसके बाद के फ्यूचर। नाइन ऑफ सोर्ड्स, इसके बाद क्या इनका रिश्ते का फ्यूचर है, गाइड कीजिए। जस्टिस, इसके बाद के फ्यूचर के बारे में बताइए यूनिवर्स। फाइव कार्ड्स निकालते हैं बस, ठीक है, वैसे क्लियर हो गया है तीन कार्ड से भी, लेकिन दो कार्ड और निकालते हैं, गाइड कीजिए बताइए। किंग ऑफ पेंट्स, इसके बाद इनके कनेक्शन का क्या फ्यूचर रहेगा यूनिवर्स, गाइड कीजिए बताइए। नाइन ऑफ कप्स एंड बॉटम ऑफ द डेक है सेवन ऑफ सोर्ड्स। ओके, देखो इनके इस सिचुएशन के बाद ना, अभी तो हालांकि ये दोनों अपने अपने ही काम में उलझे पड़े हैं, अपने अपनी लाइफ को सही करने में लगे हुए हैं, लेकिन इस डिप्रेशन की वजह से इन दोनों के बीच में काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट होंगे विथ इस फाइव ऑफ वैंड्स कार्ड। मतलब एक फ्रस्ट्रेशन दोनों के बीच में उतरेगी, दोनों ये यहाँ पर जैसे उस एनर्जी में होंगे कि भाई देखो सामने वाला या वाली मुझे कंट्रोल करने के चक्कर में मेरे साथ गलत कर रहा है या गलत कर रही है, तो कुछ ऐसा सिनेरियो इन दोनों के बीच में होगा। यानी कि यहाँ पर ना दोनों इसकी डिमांड करेंगे कि तुमने मेरे साथ गलत करा है, न्याय नहीं करा, तुम्हारे साथ ऐसा हुआ और तुम अपने पे ज़्यादा ध्यान देते हो या तुम सेल्फिश हो, तो दोनों के बीच में यहाँ पर युद्ध डेफिनेटली छिड़ेगा और उस युद्ध के चलते ही दोनों यहाँ पर खुद एक दूसरे से अलग अलग होंगे, सेपरेट होंगे। ऐसा नहीं है कि थर्ड पार्टी जाएगी, आपके पार्टनर जाएंगे, दोनों की ये सोच बन जाएगी कि सिचुएशन से जितना अपने आप को दूर करा जाए उतना अपने साथ सही करना होगा। तो ऐसी सिचुएशन इनके बीच में डेफिनेटली आएगी, फ्यूचर इनका साथ मुझे नहीं दिख रहा किसी भी सूरत में, भले ये अभी साथ हो लेकिन कर्माज आज ये फेस कर रहे हैं और उसके बाद ये दोनों उस कर्मा को फेस करके अपनी साइकिल कंप्लीट करेंगे और अल्टीमेटली अलग यहाँ पर होंगे। पॉसिबिलिटीज़ मुझे 9 वीक्स की दिख रही है कि 9 हफ्ते बाद, जब भी आपके सामने ये रीडिंग आती है उसके 9 हफ्ते बाद इन दोनों के बीच में युद्ध होने, लड़ाई झगड़े होने, पीक लेवल तक लड़ाई झगड़े होने शुरू हो जाए, जिसके चलते यहाँ पर ये डिसाइड कर लिया जाए कि हम दोनों का एक दूसरे के से अलग रहना ही ज़्यादा बेहतर रहेगा। यानी कि 9 वीक्स बाद इन दोनों के बीच में एक टावर मोमेंट आएगा, ठीक है, इन दोनों का जो बेस है वो पूरी तरह से टूट जाएगा, जिसके चलते दोनों यहाँ पर अलग अलग होंगे, ऐसा यहाँ पर है। कार्मिक थी, मैंने आपको बोला कि इनके बीच में जो कार्मिक साइकिल है ना वो कंप्लीट होगी और कर्मा जो अब है वो पीक लेवल पर आ चुका है, ये हमें अभी दिखाई दिया, ठीक है। तो साथ इनका ज़्यादा वक्त नहीं है और 9 हफ्ते की यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ बन रही है आप लोगों के केस में। तो ये थी मेरी रीडिंग कि दोनों के बीच में क्या हो रहा है, दोनों क्या महसूस कर रहे हैं, क्या सोच रख रहे हैं एक दूसरे को लेकर। आई होप आपको रीडिंग के माध्यम से क्लियरिटी मिली हो, आप कनेक्ट कर पाए हो। अगर आपको क्लियरिटी मिलती है, कनेक्ट कर पाते हैं तो बताइएगा ज़रूर। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा ताकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह से नई नई रीडिंग्स, नए नए टॉपिक्स लेकर आ सकूँ और हम लोगों का साथ, हम लोगों का प्यार यूँ ही बना रहे। आज के लिए बस इतना ही, ओके बाय बाय।